ओके वेलकम अगेन द नेक्स्ट टॉपिक सिंपल पेंडुलम फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सिंपल पेंडुलम अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल जिसको बॉब बोला जाता है सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट सच दैट द बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ ठीक है सिंपल पेंडुलम क्या है एक स्मॉल मेटल बॉल इसमें होती है जो एक धागे से एक रिजिड सपोर्ट से बंधी हुई होती है ठीक है और उस तरीके से बंधी हुई होती है कि वो फ्री एंड बैक एंड फोर्थ क्या करे मूव करे बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है आगे पीछे वो क्या करे मूव करती रहे ठीक है ये देखिए आप यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम है ये एक रिजिड सपोर्ट है ठोस कोई भी सपोर्ट है इसे हम उसको टाई करके रखते हैं बांध के रखते हैं और ये थ्रेड है उसका धागा और ये मेटल बॉल है जिसको बॉब बोला जाता है ठीक है ये देखिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसके लटका हुआ है लॉन्ग थ्रेड और ये रजिड सपोर्ट ठीक है अब ये जो बॉल होती है ये क्या होती है इस तरीके से क्या करती है इसको आपने थोड़ा सा इसे ऊपर उठाया और छोड़ दिया यहाँ पे आपने ऊपर उठा के छोड़ दिया तो ये इस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे क्या करेगी ऑसिलेट होना शुरू करेगी या स्विंग होना शुरू करेगी ठीक है तो आप यहाँ पर देखेंगे ये इसकी एक्सट्रीम पोजिशन है मतलब ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है ठीक है फिर इधर ये मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है और ये उसकी मेन पोजीशन है ये ठीक है ये यहाँ तक जाएगी मैक्सिमम फिर यहाँ आएगी फिर इधर मैक्सिमम जाएगी इस तरीके से आगे पीछे आगे पीछे क्या होती है ऑसिलेट होती रहती है ठीक है तो यहाँ पर आपको बताया इसमें सिंपल पेंडुलम एंड दिस इज द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ये उसकी क्या है मीन पोजिशन है मीन पोजिशन का मतलब क्या होता है इसी पोजिशन के अलाउंग ये क्या करेगी घूमेगी इस तरीके से इस तरीके से पहले इधर जाएगी फिर इधर फिर इधर ऑसिलेट होना इसमें शुरू होगा ठीक है तो इससे हम क्या करते हैं टर्म्स को समझते हैं देखिए फर्स्ट क्या है द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम ठीक है एक ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि जो बॉल का मोशन है वो कहाँ से कहाँ तक है एक एक्सट्रीम पोजिशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजिशन पर ठीक है एंड बैक मतलब जैसे यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से सिंपल पेंडुलम यहाँ पे बंधा हुआ है ठीक है इस सिंपल पेंडुलम में ये इसकी मेन पोजीशन हो गई ये मेन मेन पोजीशन हो गई ठीक है अब ये यहाँ तक आएगी ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है ठीक है यहाँ तक आएगी एक एक्सट्रीम पोजीशन ये हो गई दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पर है ये यहाँ पर है तो पहली बार में ये यहाँ से यहाँ आएगी एक एक्सट्रीम पोजिशन से दूसरी पोजिशन पर और फिर इससे वापस यहाँ पर आएगी तो इसको हम क्या बोल रहे हैं वन ऑसोलेशन इसको हम क्या बोल रहे हैं दैट इज द वन ऑसोलेशन ओके फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ पेंडुलम बॉब फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजिशन बी टू अनदर एक्सट्रीम पोजिशन सी एंड बैक टू बी इज कॉल्ड वन ऑसोलेशन जो इसमें डायग्राम में आपको बताया हुआ है ये आप देख लीजिए ये यहाँ पर पे. ठीक है पहले ये मीन से कहाँ जाएगी बी पर आई मतलब ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है बी से सी पर और वापस सी से फिर बी पर ठीक है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं वन ऑसिलेशन इसको बोला जा रहा है ओके दस और इस हाँ इसमें फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ फैंडुलम बॉब फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजिशन टू बी एंड अनदर एक्सट्रीम पोजिशन सी एंड बैक टू इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन ओके नाउ नेक्स्ट एम्प्लीट्यूड ऑफ द पेंडुलम एम्पलीट्यूड क्या होगा एज द पेंडुलम ऑसिलेट टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो मतलब बैक एंड फोर्थ आगे पीछे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम ठीक है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि वो अपनी मेन पोजीशन से कहाँ तक जा रहा है ये यहाँ तक ये ठीक है इधर मेन पोजीशन से ये कहाँ तक जा रहा है ये इधर ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ठीक है दोनों साइड में वो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है वही क्या होगा एम्प्लीट्यूड होगा सिंपल पेंडुलम का इन फिगर थर्टीन पॉइंट एट द डिस्प्लेसमेंट ए बी और ए सी इज़ कॉल्ड एम्प्लीट्यूड ऑफ पेंडुलम ठीक है ए बी और ए सी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द पैंडुलम इट इज नोटेड बाय ए एंड इज मेजर्ड इन मीटर ठीक है एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये मीटर में मेजर किया जा सकता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट इन एयर द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ एयर ठीक है क्या होता है ये इस तरीके से यहाँ पर उसकी मेन पोजीशन है बॉल की आपने इसको इतना सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो ये क्या करेगा ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा ये यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा धीरे 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 इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा धीरे धीरे ये ये यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा ठीक है ये ज़ीरो क्यों होता है क्योंकि एयर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जो उसको अपोज़ करता है उसकी वजह से ये अपनी मेन पोजिशन पर आ जाएगा जैसे आप झूला झूलते हैं ठीक है तो आपने जब आप एक बार एक्सट्रीम पोजिशन पर गए वहाँ से वापस आए फिर दूसरी बार गए तो धीरे 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 अगर आपको कोई फोर्स अगर नहीं लगा रहा है कोई आपको धक्का नहीं दे रहा है तो कुछ टाइम बाद में आप झूला झूलते हुए बिल्कुल एक, एक मेन पोजीशन पे आके रुक जाएंगे ठीक है मतलब जैसे ये मान लीजिए कि आपने यहाँ पे झूला बांध रखा है ये ठीक है आप इसमें झूल रहे हैं तो पहले आप यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए अब आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया तो धीरे 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 झूलते हुए आप वापस जो है वो इसी जगह पर आके रुक जाएंगे ठीक है तो ये किस वजह से होता है ये एयर के रेजिस्टेंस की वजह से ठीक है नेक्स्ट टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टाइम पीरियड क्या होता है द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसोलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ठीक है तो जो टाइम लग रहा है टाइम जो लग रहा है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में ठीक है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉब को यहाँ पर थी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में और फिर यहाँ पर आने में ये एक ऑसिलेशन हो गया ठीक है तो इसमें जितना टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन द टाइम टेकन बाय द बॉप ऑफ पेंडुलम फ्रॉम वन कंप्लीट ऑसिलेशन टू ट्रेवल फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन बी टू सी एंड बैक टू बीज कॉल टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ठीक है एज लॉन्ग एज द एम्पलीटूड ऑफ ऑसोलेशन इज स्मॉल द पेंडुलम ट इंटरवल्स ऑफ टाइम टू कम्पलीट इच ऑसोलेशन इट इज डिनोटेड बाई टी एंड मेजर इन सेकेंड्स टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये सेकेंड्स में मेजर होगा ठीक है फ्रीक्वेंसी क्या होती है द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑइसोलेशन मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन वन सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में जैसे यहाँ पर ये ये सपोर्ट है यहाँ से ये उसकी एक्स्ट्रीम पोजिशन ये एक्सट्रीम पोजिशन ठीक है तो एक सेकेंड में कितना ऑइसोलेशन जो है वो पूरा कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीकवेंसी बोला जाता है ठीक है द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑइसोलेशन मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन फ्रीक्वेंसी की ऐसा SI यूनिट जो है वो क्या है हर्ट्स है ये एक जर्मन फिजिशियन था जिसके नाम पर हेनरिच आर हर्ट्स रखा है ठीक है और फ्रीक्वेंसी और ये क्या है इट इज़ डिनोटेड बाय एन और एफ ठीक है इसको न्यू बोला जाता है या एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को ठीक है कुछ चीज़ें और है इसके अंदर अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वन हर्ट्स इज वाट इसका मतलब क्या हुआ वन ऑसिलेशन पर सेकेंड एक फ्रीक्वेंसी किसी भी पेंडुलम की वन हर्ट से इसका मतलब यह हुआ कि वो एक ऑसिलेशन एक सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है वेन अ सिंपल पेंडुलम टेक्स फोर ऑसिलेशन इन वन सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज फोर हर्ट्स अगर वो एक सेकेंड में चार ऑसिलेशन अगर पूरा करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी फोर हर्ट्स हो जाएगी ओके तो आप इन सारी डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए अच्छे से और उनको समझ लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लें ओके